नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शक हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो, तो आप सभी के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सीताफल। ये मेरा लंच है, ये डिनर में भी ले सकते हैं, ये भगवान का बनाया हुआ अमृत भोजन है। तो ये सीताफल अभी अक्टूबर और नवंबर दो महीने में बहुत सारे मार्केट में आते हैं, पूरे इंडिया में ढेर सारे आते हैं, तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं मेरा लंच करते करते मैं आज आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और साथ साथ में मेरा लंच में खाऊंगी। तो ये जो है वो देखिए आप अंदर से कितने वाइट होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं। ये बहुत सारा हेल्दी हेल्दी फ्रूट है, तो इसको स्पून से भी खाते हैं, मुंह से भी खाते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे खा सकते हो। तो इसकी जो एक एक पीस होता है इसकी आइस बोलते हैं, ये देखिए जो जिसकी आइस बड़ी होती है हमेशा वैसे सीताफल लाने चाहिए। जो छोटी छोटी आइस वाले होते हैं उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, खाने को कम मिलता है। तो मैं अभी मार्केट से सबसे बड़े बड़े ये जो है देखिए आप, ये एक ही खाली 500 ग्राम का होगा, इतना सारा ढेर सारा बड़ा है। तो मैं पूरा पूरा बॉक्स भर के लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली आज पूरा दिन लंच में हम सब यही खाने वाले हैं। इसके जो सीड्स हैं उसको निकाल के फेंक देना है, और अगर बच्चों को खिलाना हो तो स्पून से इसका मावा निकाल के फिर उसको देइए, क्योंकि नहीं तो सीड्स निकल जाएंगे। इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, रो वेगन आइसक्रीम भी बना सकते हैं, और इसको सुबह शाम दोपहर रात कभी भी खा सकते हैं। इसको खाने से फायदा ये होता है कि हमारी एंटी एजिंग हो जाती है, हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है, हमारे हेयर जो है वो शाइन करते हैं, हेयर फॉल बंद हो जाता है। अगर जिसका बहुत कम वजन हो उसको खाना चाहिए, उससे वेट गेन होगा, और जो अगर जिसका वेट बहुत ज्यादा है उसको कम खाने चाहिए, लेकिन खाने चाहिए, क्योंकि पतले को मोटा करेगा और मोटे को पतला करेगा, ऐसी इसके अंदर आर्ट है। ये जो भगवान ने बनाया हुआ प्रसाद है इसके अंदर, और ये जो है वो सीता फल बोलते हैं, वैसे ही राम फल भी उगते हैं। राम फल इससे दुगने बड़े होते हैं, लेकिन ये अहमदाबाद में अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन मैं मेरे गांव गई थी तभी मैंने खाया था। बिलीमोरा हमारा एक नेटिव प्लेस है, तो वहां पे हम जाते हैं, वहां पे हमारा जो घर है वहां पे भी सीताफल राम फल उगते हैं, तो वो इससे डबल बड़ा होता है और वो इसके अंदर बहुत सारा पल्प होता है। तो ये जो है वो ब्रेन का किसी को प्रॉब्लम हो उसको भी फायदा करेगा, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है उसको फायदा करेगा, किसी को अटैक आया है तो इसको फायदा करेगा, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उसको पेट भर के कुछ खाना है तो ऐसा हेल्दी भोजन खाएगा तो बच्चा जो है वो भी अंदर फुल पोषण लेगा। जो बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो माँ को भी अभी सीजन में ये सीताफल खाने चाहिए। ये इतना हेल्दी फूड है, ये शुगर है इसके अंदर नेचुरल शुगर है, फिर भी डायबिटीज के टाइप 2 पेशेंट जो होते हैं उसको डायबिटीज क्योर कर देता है। इतना नेचुरल इसमें वाइट शुगर जो है वो इतना प्योर शुगर है कि जिससे बेनिफिट्स होता है, कुछ नुकसान नहीं होता है। किसी पेशेंट को अस्थमा होता है, कफ होता है, दम होता है, उनको ये फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए। भगवान ने बनाया हुआ सीजनल नेचुरल रीजनल ओरिजिनल कोई भी फ्रूट खाएंगे तो ढेर सारा फायदा ही फायदा होता है। लेकिन हम इसलिए ये अलग अलग बीमारी के बारे में बताते हैं क्योंकि ये जो बीमारी वाले पेशेंट होते हैं वो डरते हैं कि ये फ्रूट खाने से नुकसान हो जाएगा। तो खाली एक बात समझना है, अगर भगवान ने बनाया है तो हमारी हेल्थ के लिए बनाया है। कोई भी डॉक्टर्स बोलेगा कि ये फ्रूट ना खाओ, ये जूस ना खाओ, ये गलत बात है। भगवान का बनाया हुआ सब कुछ खाना है, इंसान का बनाया हुआ हाथ, इंसान के हाथ का बनाया हुआ सब कुछ छोड़ दो तो सब फ्रूट खा सकोगे, सब जूस पी सकोगे, अनलिमिटेड ढेर सारा खा सकोगे,
क्योंकि ईश्वर हमारे भले के लिए कुछ उगाता है और हम हमारे बुरे के लिए दाल चावल रोटी सब्जी और होटल में पिज्जा पास्ता ढूंढते रहते हैं। बर्थडे हो तो हम पंजाबी चाइनीज खाने चले जाते हैं, कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि 2 किलो एप्पल खा ले या 2 किलो सीताफल खा ले। तो अगर अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाओगे तो पूरा जो शरीर है कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा ये भोजन से। और ये भोजन ऐसा है कि अगर किसी को डायरिया हो गया हो तो उसमें भी कंट्रोल आ जाता है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो डायरिया होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसमें से बैड सेल्स सभी सारे जितने भी बैड बैक्टीरियाज है वो सारे रिमूव हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एनीमा करना है, तो जो भी इंसान एनीमा करेगा उसको बहुत ही लाभ होगा, सारे प्रॉब्लम दूर होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीताफल खा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, उसके साथ साथ में आपको एनीमा भी करना होगा। जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनको ये सीताफल ज्यादा से ज्यादा खाने हैं। तो ये एनीमा है, सुबह में दोपहर में शाम को रात को आप कभी भी कर सकते हो और कितनी भी बार करोगे इससे कोई नुकसान नहीं है। इसमें 1.5 लीटर का टैप वाटर भरना है, लेकिन अभी विंटर की सीजन आ रही है, अगर ठंड लग रही है तो वार्म वाटर से भी आप एनीमा कर सकोगे। अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट से भी आप एनीमा पॉट मंगवा सकोगे। मेरा लंच है और मैं तो बोले जा रही हूँ, ये सीताफल देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इतना मीठा है। दो तीन सीताफल खाते हैं 1 केजी हो जाता है, और 1 केजी सीताफल से पूरा पेट भर जाता है। ये तो मेरे पूरा फैमिली के लिए, मैं आज लंच के लिए यही लेके आई हूँ। अगर रोटी सब्जी दाल चावल रोटला कढ़ी खिचड़ी ये सब पकाऊंगी तो 1.5 घंटा 2 घंटा किचन में सफाई में बर्तन में चला जाता है। लेकिन ऐसा भोजन खा लेंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, काम भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा। और इतना अच्छा अच्छा जो भगवान ने बना दिया है सनलाइट की मदद से उसको ही हमें खाना चाहिए। हम तो ऐसा समझते हैं कि जो गैस के ऊपर इतनी छोटी फ्लेम निकलती है वो आग पे हम रोटला बनाते हैं और उससे हमारा पेट भरेगा, लेकिन जो ईश्वर ने सनलाइट की मदद से इतना अच्छा भोजन बनाया है, करोड़ों रुपए खर्च करने से भी ये मुझे बिना सीजन में नहीं मिलता है। और ये अभी भगवान ने इतने सारे उगा दिए हैं कि पेट भर के आप खा लो तो भी कोई नुकसान नहीं है। 1 केजी तो 2 केजी खा लो तो भी मोटापा नहीं आ जाता है, पेट बाहर नहीं आ जाता है, इतने सारे इसके लाभ होते हैं। तो जब भी मार्केट में आपको मिल जाता है कम दाम में या ज्यादा दाम में, लेकिन इसको खा लेना चाहिए। पेट में किसी को अल्सर हो जाता है तो ये जो खाना है ये भोजन है इससे खाने से अल्सर भी ठीक हो जाता है। अगर अल्सर नहीं हुआ है तो इसको खा लो ताकि अल्सर ना हो जाए। कैंसर से बचने के लिए भी हमें हर सीजन में सीताफल खाने चाहिए। और अगर कई कई लेडीज को कई कई जेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मूड स्विंग्स हो जाता है, कभी दुखी कभी सुखी कभी हंसी कभी खुशी, ये सारा मूड स्विंग्स होता है, तो ऐसे जब भी हमारा हार्मोन चेंज होता है तभी भी ये फूड हमें खा लेना चाहिए। तो इससे अच्छी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स भी आती हैं और शरीर इतना हल्का हो जाता है, पेट इतना भर जाता है कि हम इतना संतोष हो जाता है कि ये भोजन खाने के बाद हमें पकाया हुआ मृत भोजन बिल्कुल याद नहीं आता है। तो आप भी ऐसा अच्छा अच्छा सीजनल रीजनल ओरिजिनल नेचुरल फ्रूट खाइए। और यही वीडियो के नीचे फीडबैक में आप बताइए कि आपको सीताफल मिलते हैं कि नहीं, आप सीताफल खाते हो कि नहीं, आपको सीताफल अच्छे लगते हैं कि नहीं, आप कितने सीताफल लेके आए, आपने सीताफल का क्या क्या किया। तो आप भी हमारे साथ अपनी बातें शेयर कीजिए। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कीजिए, मेरा फोन नंबर है 9824317955।
सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। अगर आपको हमें मिलना हो तो यही नंबर में आप अपॉइंटमेंट लेके भी आप हमें मिल सकते हो, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कुछ भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो मैं पेट भर के सीताफल खा लेती हूँ, आप भी सीताफल ले आइए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।